सर एक क्वेश्चन पूछना है। उसमें ये है कि फेसबुक पर अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि उनकी जो FBN असाइन करते हैं वो लेट क्यों होती है, और किसी की असाइन भी काफ़ी महीनों तक नहीं होती। कुछ ओके, FBN असाइन नहीं होती। जी सर। FBN असाइन नहीं होती। ओके, एक्चुअली नून का जो सबसे बड़ा इशू है ना, वो इसका FBN का है। नून ने रिसेंटली बहुत अपग्रेड किया अपने सिस्टम को। उससे पहले चले FBN की तो और बात है, मैं कुछ मजेदार बात बताऊं। जो नून का सेटअप है ना, नून का सेटअप इन्होंने अगस्त में स्टार्ट किया है डायरेक्ट शिप करने का। उससे पहले पता है क्या होता था ये? उससे पहले जिस तरीके से अमेजोन है, ये जिस तरीके से आपके बाकी लोकल मार्केट प्लेसेस काम कर रही होती हैं, आपका द्राज हो गया, आपका अमेजोन हो गया, इसमें ये होता है कि अमेजोन का अगर आपका FB है या आप FBM कर रहे हैं, आपके पास रख के आप बेच रहे हैं, तो कस्टमर का जो ऑर्डर आता है, आप उसको अमेजोन के पैकिंग में उसको पैक करके आप कस्टमर को डिलीवर करते हैं, राइट। जी सर। उसके बाद का मैं आपको प्रोसेस बताऊँ। आप अगर मोस्टली लोग अगर FBM कर रहे हैं, FBA हो रहा है दैट्स फाइन, उसके लिए तो वो पिक पैक एवरीथिंग अमेजोन वाले कर रहे होते हैं। अगर आप उसको FBM कर रहे हैं उसको, उसके लिए आपके पास एक सेल्फ शिपिंग है, क्या बोलते हैं, ईजी शिपिंग है। ईजी शिपिंग बहुत कम लोग वो मेथड यूज़ कर रहे होते हैं, सबकी कोशिश होती है कि हम सेल्फ शिपिंग यूज़ करें। इसमें मैं एक और पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ, फिर मैं आता हूँ इस तरह। मैं कह रहा हूँ आपने इस टाइम मुझसे क्वेश्चन किया ना, मैं आपको 5-6 बातें इसके अंदर मैं और भी बता दूँ। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। जो आपकी होती है ना सेल्फ शिपिंग, सेल्फ शिपिंग के अंदर रिमेम्बर कि आपकी सेल हमेशा कम होती है। अब उसमें उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि सेल्फ शिपिंग के अंदर कभी भी जो है ना, वो आपके पास कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन नहीं होती है। ठीक है, ये बहुत कम लोगों को पता है। आप जब सेल्फ शिपिंग के ऑप्शन चूज़ करते हैं ना, आप अपनी उस प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर चले जाएं, उसके अंदर जो है ना वो नो कैश ऑन डिलीवरी लिखा आ रहा होता है। अब नो ठीक है। कैश ऑन डिलीवरी या कैश ऑन डिलीवरी नॉट अवेलेबल, उसकी मेनली दो रीज़न होती हैं। एक तो ये है कि अगर आपने उसको सेल ग्लोबली किया, पर वो आपकी इंटरनेशनल शिपिंग है, तो वो जो है वो आपकी कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन नहीं होती। डेफिनेटली अगर एक चीज़ आप मंगवा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, और जब आपके पास पहुँचे आप फोन ही ना उठाएं और आप बोलें कि मैंने लेनी नहीं है, तो वो भेजने वाला क्या करेगा उसको? ठीक है, दूसरे नंबर पे जब आप सेल्फ शिपिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन नहीं होती, क्योंकि अगर आपका बंदा जाएगा, मीन्स का आपकी कुरियर कंपनी जाएगी, तो वो पैसे किसको मिलेंगे? आपकी कुरियर कंपनी को मिलेंगे। और ऐसा तो नहीं है, और सेलिंग चैनल कौन सा है? सेलिंग चैनल आपके पास है अमेजोन। सो दैट्स द रीज़न आप जब भी सेल्फ शिपिंग के लिए जाते हैं, अमेजोन आपकी ये वाली सर्विसेज उसको सस्पेंड कर देता है, राइट। उसके बाद आप आ जाएं FBM की तरफ। अब FBM के अंदर क्या होता है कि आप जब आइटम भेज रहे होते हैं ना कस्टमर को, उसके अंदर कुरियर कंपनी जो भी असाइन की हुई है इसने अमेजोन ने, वो ड्राइवर आएगा, वो आपसे आइटम लेगा, उसको स्कैन करेगा, सिस्टम में अपडेट हो जाएगा, नेक्स्ट डे या अल्टरनेटिव डे वो ड्राइवर जाएगा, वो उस कस्टमर को जो है वो डिलीवर कर देगा, वही बैग उसको खोले बगैर वो कस्टमर को डिलीवर कर देगा। ओके, नून का सिस्टम जो है वो बड़ा अजीबो गरीब था। ये अगस्त से पहले मैं बात कर रहा हूँ, सिंस नून स्टेब्लिश। अजीबो गरीब मतलब इस सेंस में था, मेरी नज़र में ना बहुत अच्छा सिस्टम था उनका, ठीक है वो, मगर उनके लिए एक उनके लिए ऑपरेशनल इश्यूज थे, थोड़ा सा प्रॉब्लम भी था उनके लिए। वो इशू उनका ये था, वो उनका जो सिस्टम था वो ये था कि वो एक मैं कस्टमर हूँ, एज अ कस्टमर जो है वो अगर मैंने 3-4 आइटम जो है ना वो मैंने सेलेक्ट किए हैं, भले 1 किया 2 किए 3 किए 4 किए 5 किए जितने किए, उसके मैंने नून पे ऑर्डर दे दिया। अब आपको पता है कि उसके डिफरेंट सेलर्स भी हो सकते हैं, लाजमी नहीं है कि वो मेरे स्टोर से ही कुछ ले, मेरे स्टोर से ले रहे हैं, आपके स्टोर से ले रहे हैं, एक्स वाई जेड थर्ड पर्सन के स्टोर से ले रहा है वो, तो उसमें मैं जो है ना वो नून का एक ट्रांसपेरेंट बैग आपका होता है, उसके ऊपर नून लिखा होता है, उसके अंदर आप आइटम डालते हैं, उसकी लिस्ट डालते हैं, उसके बाद आप उसको सील कर देते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर एक बार कोड भी खैर उन्होंने कोई 2 साल पहले देना शुरू किए हैं, जो आप स्टिकर ऊपर लगाते हैं, उससे पहले वो भी नहीं थे। तो ड्राइवर उनका आता, वो आके उसको स्कैन करेगा, उसके सिस्टम में अपडेट हो जाएगा, आपको नहीं पता कि उसका आपका कस्टमर कौन सा है, ठीक है, आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं आता था, आपको नहीं पता ये आइटम कहाँ जाएगा, कस्टमर कौन सा है क्या नहीं है, वो नून के वेयर हाउस में वो बैग चला गया। अब एक कस्टमर ने 5 ऑर्डर किया 5 डिफरेंट सेलर से, तो 5ों सेलर जो हैं वो उनके वेयर हाउस में चीज़ें चली जाएंगी, वो उसको बार कोड से मैच करेंगे, और बार कोड से उसको मैच करने के बाद नून के बैग में उसको डालते, क्वालिटी चेक के बाद, ठीक है, वो इमेजेस चेक करते हैं, ये जो अमेजोन पे भी चल रहा है ना,
अमेजोन के ऊपर जो न्यू स्टोर बनाने वाले आ गए हैं, जो प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि फ्री है यहाँ पे, वो क्या करते हैं कि वो मी टू की लिस्टिंग में चले जाते हैं और वो प्रोडक्ट के जो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, उसकी मी टू की लिस्टिंग करते हैं। उसके बाद जब उसका ऑर्डर आता है, ब्रांड डिफरेंट होता है, उससे मिलती जुलती प्रोडक्ट जो है वो भेज रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा नेगेटिव जो रिव्यूज़ और फीडबैक है ना, वो इस वजह से यूएई की मार्केट में मिल रहे हैं कि लोग अंधाधुंध काम किए जा रहे हैं। वहाँ पे अमेज़न की किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन भी ऐसी नहीं है कि वो सिर्फ उनको वार्निंग दे रहे हैं, वार्निंग देने के बाद वार्निंग खड़ी रहती है, खड़ी रहती है, खड़ी रहती है। वहाँ पे सेलर्स की रेटिंग आप जाके चेक करें, उनके 15-15 फीडबैक है, 0% रेटिंग उसकी। आप जब उसके रिव्यू कस्टमर फीडबैक आप पढ़ें, यही लिख रहे होते हैं मंगवाया कुछ था भेजा कुछ है, मंगवाया कुछ था भेजा कुछ है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से नून का वो सेटअप, वो सिस्टम बहुत अच्छा था कि वो उसके इमेजेस देखते थे, मैच करते थे, उसका क्वालिटी कंट्रोल चेक करते थे, एक एक आइटम वो सेलर के लिए रेडी करके फिर उसको अलहदा से पैक करके वो उसको भेजते थे। ये सिस्टम उन्होंने अब अगस्त से कर दिया ख़त्म। अभी उनका जो है वो डायरेक्ट शिपिंग के नाम से उनका सेटअप आ गया और वो उन्होंने मतलब कि अमेजोन से ज़्यादा एडवांस इसलिए किया कि उसकी आपको मोबाइल में भी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है। आप उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, कुरियर वाला आएगा, आप एप्लीकेशन डाउनलोड जैसे ही करेंगे, आप उन आइटम को स्कैन करेंगे मोबाइल से, उनके सेल्स सिस्टम में चला जाएगा, वो आएंगे आके आपसे ले जाएंगे। ये था हमारा FBM और FBP, मतलब कि FBM हम कहते हैं अमेजोन को फुलफिल बाय मर्चेंट, FBP हम कहते हैं फुलफिल बाय पार्टनर नून वालों को। अब यहाँ पे एक और बहुत बड़ा इशू है, एक और बहुत बड़ा इशू ये है कि फिर मेरी पूरी बात सुन लें आप, ठीक है, ताकि जो वीडियो देख रहे हैं ना उनको भी थोड़ी अच्छी सी समझ आ जाए। उनका एक और बड़ा इशू ये है कि आप जब अमेजोन के ऊपर अपना स्टोर क्रिएट करते हैं, एट द वेरी बिगनिंग अमेजोन आपके स्टोर की स्पेस आपको एलोकेट कर देता है, आपके स्टैंडर्ड और स्मॉल साइज आइटम्स की भी और उसके बाद आपके लार्ज साइज आइटम्स की भी। बिगनिंग के अंदर अगर आपका नया स्टोर है तो नॉर्मली वो 200-300 यूनिट्स जो हैं वो आप अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवा सकते हैं। इसीलिए जब आप अमेजोन की लिस्टिंग कर रहे होते हैं, उसकी लिस्टिंग में वेरी फर्स्ट पेज पे ऑफर वाले सेक्शन में नीचे आप देखें, उसमें आ रहा होता है कि यू वांट टू सेल दिस वाया FBA या आप उससे इसको बेचेंगे। अगर आप FBA करते हैं इट मींस कि एक चीज़ आपके पास आई भी नहीं है, आप स्ट्रेट वे उसको अमेजोन के वेयर हाउस में भेज सकते हैं, वो उसकी कैपेसिटी आपको अलाउ कर रहे होते हैं। नाउ इट्स अप टू यू कि आप जो है वो 200 की कैपेसिटी, आप 200 पीस भेजें, 150 भेजें, 100 भेजें, इट्स अप टू यू। मगर एक सिंगल टाइम के अंदर अगर 300 कैपेसिटी है तो 300 से ऊपर जो है ना वो आपके SKU नहीं होने चाहिए। अब आ जाए नून की तरफ, जो आपने असल में क्वेश्चन किया था। ये बातें मैंने इसलिए आपको समरी एक बता दी कि थोड़ा सा अवेयरनेस हो जाए लोगों को। अब नून की तरफ आप आ जाए, नून वाले क्या करते हैं कि वो आपको डायरेक्ट FBN अलाउ ही नहीं करते। आपने कोई चीज़ लिस्ट की है, नून कहता है कि सबसे पहले आप इसको अपने स्टोर के ऊपर बेचें, हम देखेंगे कि आपने सपोज अगर 50 SKU अगर आपने अपने स्टोर के ऊपर लिस्ट किए हैं, उसमें से जो SKU अच्छे अच्छे हैं, जो सेल हो रहे हैं, वो हम आपको बताएंगे कि आपने इसमें से कितने SKU हमारे वेयरहाउस भेजने हैं। यू गॉट इट, ठीक है। जिसको मैं अदर वर्ड्स एक्सप्लेन करूँ कि आपने 50 SKU आपने लिस्ट किए हैं ना, आप उसकी आप नून वालों से आप पूछते हैं कि हाँ जी इसमें से कितने आइटम मैंने वेयरहाउस भेजने हैं। आप जब आप उसकी एलिजिबल लिस्ट के अंदर जाते हैं, उसको क्लिक करते हैं, आप उसकी शीट अपलोड करते हैं, उसके अंदर नून आपको बता रहा होता है कि इन 50 में से ये जो 2 SKU हैं इसके आप मुझे 5-5 पीस भेज सकते हैं, बाकी के नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आपने 5 की जगह 6 भेज दिए तो वो आपकी शीट रिजेक्ट हो जाती है, पहले उस शीट की अप्रूवल लेनी पड़ती है। और ये भी हो सकता है कि वो अगर आपकी बेस्ट सेलिंग लाइन्स नहीं है, वो आप शीट अपलोड करें कि मैं क्या भेज सकता हूँ, तो उसमें 0 भी आ सकता है। ओके, ठीक। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि हम एक स्टोर जब नया क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर कोई चीज़ लिस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली वो मतलब कि इनिशियल स्टेज पे तो उसके रिव्यूज़ और सेलिंग तो अच्छी नहीं होती, वो ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप होती है ना। इन केस अगर लोग यहाँ पे क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से उनकी शीट जो है ना वो रिजेक्ट होती है, वो मैं अब आपको बता दूँ। उनकी शीट रिजेक्ट इसलिए होती है, ये नेक्स्ट ना इसकी एक स्क्रीनशॉट इसका हम थोड़ी सी वीडियो बना लेंगे। उनकी शीट रिजेक्ट इसलिए होती है कि जब आप FBA एलिजिबल आइटम के अंदर जा रहे होते हैं ना, तो नून एक शीट आपको खुद ब खुद भेजता है कि ये आइटम आप इसमें भेज सकते हैं। अब आपने क्या किया कि अगर आपने आपके पास है ना 30 SKU हैं कि ये 30 के अंदर इसके 20 पीस, इसके 15 पीस, इसके 18 पीस, इसके 200 पीस, इसके 300 पीस ये आप भेज दें, उसमें से अगर एक भी SKU के 20 की जगह अगर आपने लिख दिए ना आगे 25 पीस या 21 पीस या 22 पीस, वो आपकी पूरी शीट आपकी रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, कम कर सकते हैं उसको, ज़्यादा नहीं कर सकते। नंबर वन।
नंबर टू, अगर कोई भी ऐसा SKU के जिसके आगे एलिजिबल क्वांटिटी जीरो लिखी हो, उसका मतलब ये होता है कि इसमें आप कुछ भी नहीं बेच सकते। जीरो का मतलब कि आप कुछ भी नहीं बेच सकते। और अगर कोई बंदा बोले कि नहीं यार 20 जा रहे हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, 20 की क्वांटिटी वैसे भी 400 थी और 50 पीस मेरे पास वैसे ही कम है, तो ये जो दो SKU है ना, ये मेरे लिहाज से अच्छे बिक रहे हैं, मैं 4-4 पीस में इनके भी डाल दूँ। तो वो क्या करते हैं कि वो 4-4 पीस उनके भी डाल देते हैं जो कि नून ने रिकमेंड नहीं किए होते, उसकी वजह से भी उनकी शीट जो है ना वो रिजेक्ट हो जाती है। ये मेन रीज़न है FBN के प्रॉब्लम्स की। और दूसरे नंबर पे लास्ट वाली चीज़ मैं आपको बता दूँ, इन केस इफ एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ ओके, उसके लिए जो है ना वो फिर आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। आपने उसको बना लिया, आपने सपोज 1000 पीसेज असाइन कर दिए, उसके बाद एक स्केड्यूल का पोर्शन आ रहा होता है, वहाँ आप स्केड्यूल को क्लिक करते हैं, आपके पास कैलेंडर ओपन हो जाता है कि हाँ जी ये स्केड्यूल है, ये स्लॉट अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको स्लॉट मिल भी नहीं होती, उसके लिए आपको वक्फे से आपको चेक करना पड़ता है, समटाइम किसी ने कैंसिल कर दिया, आपको वो जगह मिल जाती है, आप उसको पिक कर लेते हैं, ठीक है, मगर अगेन एंड अगेन करने से वो भी नहीं मिलती। वो अब उसको मैं आपको ना एक मोटी सी बात बता दूं अपने सुनने वालों के लिए, जो उसका बेस्ट टाइम है ना चेक करने का, वो है अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, आपने जो है FBN की शिपमेंट आपने असाइन कर ली है, ओके, एज पर देयर स्टैंडर्ड जो मैंने पीछे आपको बता चुका हूँ, ज़्यादा क्वान्टिटी नहीं डालनी, एक्स्ट्रा SKU ऐड नहीं करना, कम बेशक डाल दें जो उन्होंने लिखी हुई है, 20 लिखे हुए हैं 15 डाल दें, ओके दैट्स फाइन। उसके बाद आप उसको स्केड्यूल करेंगे, आपको कोई डेट के टाइम नज़र नहीं आएगा, कोई कैंसिल करेगा तो आपको नजर आएगा, उनके पास बर्डन इतना ज़्यादा होता है नूर वालों के पास। उसका जो बेस्ट टाइम है ना चेक करने का, वो है अर्ली इन द मॉर्निंग। नॉर्मली क्या होता है, वहाँ के ऑफिस जो है वो ओपन होते हैं 8 बजे, 8 बजे लोग जाते हैं, बैठते हैं, देखते हैं हाँ भी जगह है, जगह हमारे पास नहीं है, तो वो किसी भी टाइम कोई बंदा कैंसिल करवा रहा होता है रात को किसी भी टाइम, तो अर्ली इन द मॉर्निंग अगर आप उसको देखेंगे, देर आर चांसेस कि आपको उसकी स्लॉट मिल जाती है। दैट इज़ द रीज़न कि लोगों को से FBN सही असाइन नहीं हो पा रहा। सही, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया।